हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में। जाइलम और फ्लोएम हम जानते हैं कि ये प्लांट में पाया जाता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। हालांकि दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वाटर और फूड ले जाने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर हम पहले बात करें जाइलम की, तो जाइलम के जो जो फोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स जाइलम में पाए जाते हैं, आप उसमें एक तो जाइलम वेसल्स होता है, ट्रेकीट्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। ये जाइलम में ये फोर टाइप के उसमें एलिमेंट्स पाए गए। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे फ्लोएम को, तो फ्लोएम भी फोर टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक तो सीव ट्यूब होता है उसमें, और दूसरा कंपेनियन सेल्स होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। आपने जाइलम में भी देखा था कि जाइलम पैरेन्काइमा होता है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। आपने इसमें देखा था जाइलम फाइबर होता है जाइलम में, और इसमें क्या होता है, इसमें फ्लोएम फाइबर होता है। तो ये दोनों ही नेम कॉमन हो गए, एक तो जाइलम फाइबर, एक फ्लोएम फाइबर, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अलावा जो नेम डिफर हुए वो जाइलम वेसल्स, ट्रेकीट्स, और फ्लोएम में आप देखेंगे तो सीव ट्यूब और कंपेनियन ट्यूब। तो ये इसके एलिमेंट्स में डिफरेंस हुआ। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो जो जाइलम होता है ये मेनली डेड सेल्स के बने हुए होते हैं, सिवाय इसमें जो पैरेन्काइमा होता है, जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है। बाकी उसके अलावा जो फोर एलिमेंट्स अभी बताए गए, तो वो फोर एलिमेंट्स वो सब डेड सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग सेल का बना हुआ होता है। इससे कंपेयर कर अगर फ्लोएम से, तो फ्लोएम मेनली तो लिविंग सेल का बना हुआ होता है, लेकिन अगर बात करेंगे इसमें फ्लोएम फाइबर की, तो फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये मेनली लिविंग सेल का बना होता है। तो फ्लोएम जो होता है वो मेनली लिविंग सेल्स के बने होते हैं, और जो जाइलम होते हैं वो मेनली डेड सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो उसमें जो जाइलम होता है, तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। उसमें वाटर को और मिनरल्स को ले जाना होता है, तो वो रूट से वाटर मिनरल को ऊपर की तरफ ले जाता है, लीफ तक के ले जाता है प्लांट में, जो जाइलम होता है। और फ्लोएम को अगर आप देखेंगे तो वो दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, वो दोनों ही डायरेक्शन में उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि जाइलम में सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में होता है एक ही डायरेक्शन में, और फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में होता है, क्योंकि फ्लोएम में जो फूड मटेरियल पूरी बॉडी तक पहुंचाना रहता है, तो फूड तो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो रूट तक पहुंचाना हो और चाहे ऊपर टिप तक के पहुंचाना हो, या और प्लांट के जो स्टेम है, ब्रांचेज है, लीफ है, हर जगह पहुंचाना हो तो हर जगह, या फ्रूट है तो प्लांट के हर जगह पहुंचाना रहेगा। तो इसलिए फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है, जबकि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, वो सिर्फ ऊपर की तरफ होता है। और ये बात भी क्लियर हो गई कि फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि जो जाइलम होता है उसमें वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जाइलम और फ्लोएम में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।